नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है डायबिटीज फूड ज्ञान। आज मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो जब पार्ट वन था उसमें मैं बताया था डायबिसी आटा जो मैंने लिया था 60 ग्राम का आटा, जिसमें मैंने 2 रोटी बनाई थी और उसके ऊपर मैंने रिव्यू किया था जिसमें मुझे 15 पॉइंट मेरा डाउन हुआ था खाने के बाद। और वो मैंने किसके साथ खाई थी रोटी, वो मैंने खाई थी आचार के साथ में, ठीक है। और काफ़ी लोग कमेंट्स आए थे कि राकेश भाई ये आटा इतना कॉस्टली है कि हम इसको ले नहीं सकते, हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अभी सेकंड पार्ट इसके लिए बना रहा हूँ कि मैंने इस बार क्या किया है कि 30 ग्राम 60 ग्राम की मैंने वापस आटा लिया है 60 ग्राम का, जिसमें 30 ग्राम जो है मैंने अपना डायबिक्सी आटा लिया है और 30 ग्राम मैंने गेहूं का आटा लेके मैंने ये मिक्स करके ये 2 रोटी बनाई है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कितनी बड़ी है क्या है, ऐसे से बनाए। देखिए अगर आप डायबिक्सी आटा अगर आप लेते हैं, देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर आपको शुगर आपको रियल में कम करनी हो या अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। कम करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप एक टाइम पर है ना, ठीक है, एक टाइम पर आप डायबिक्सी आटा खा लो और एक टाइम पर आप गेहूं की रोटी खा लो, ये हो सकता है, या दोनों टाइम पे लंच और डिनर में, ठीक है, आप दोनों को 50-50 कर दो, यानी डायबिक्सी आटा 50% कर दो और गेहूं की रोटी 50% कर दो, ये एक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पहले पार्ट में मैंने कोई किसी का आटा नहीं बनाया था मिलाया था डायबिक्सी आटे के साथ में, अभी मैंने गेहूं का आटा मिलाया है, यानी 50-50% किया है। तो और मैंने साथ में लिया है अपना आचार, केरी का आचार जो लास्ट टाइम मैंने लिया था, ठीक है। तो वापस हम लोग वापस चलेंगे, रिव्यू करेंगे कि ये खाने के बाद, यानी डायबिक्सी प्लस गेहूं की रोटी गेहूं का आटा खाने के बाद हमारी शुगर कितनी बढ़ती है। तो टाइम अभी हो गया है, ये हो गया 125, ठीक है। तो पहले हम अपनी शुगर चेक कर लेते हैं, ये शुगर रहेगी मेरी रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है। डायबिक्सी आटे में मेरी 15 पॉइंट्स यानी 15 पॉइंट मेरा कम हो गया था, जो मेरी शुगर थी उसमें 2 घंटे बाद मेरी शुगर 15 पॉइंट कम हो गई थी। अब मैं इस उंगली में करूँगा, मैं लास्ट टाइम ये वाली उंगली पे की थी, अब इस वाली उंगली पे करूँगा मैं। चलिए चेक करते हैं कि हमारी रैंडम ब्लड शुगर कितनी आती है। ये आ गई हमारी रैंडम ब्लड शुगर, वन एटी सिक्स आई है हमारी रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है। तो मैंने अपनी अपनी शुगर चेक कर ली है, तो अब इसको मैं रोटी को हाथ लगा सकता हूँ। ये देख लीजिए लास्ट टाइम की रोटी और अभी की रोटी में देख लीजिए, मैंने घी लगाई थी लेकिन घी को उसने अब्जॉर्ब कर लिया है रोटी ने, ठीक है। तो ये 2 रोटी है जो है 60 ग्राम की, ओके। और मैंने ले लिया है केरी का अचार, तो इसको मैं खा के आपको 2 घंटे के बाद आपको मिलूंगा कि हमारा शुगर क्या रहती है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने खाई थी डायबिक्सी आटे की रोटी, इसमें हमारा 15 पॉइंट डाउन हो गया था। चलिए चेक करेंगे कि अगर गेहूं की रोटी के साथ में अगर डायबिक्सी आटा मिक्स करते हैं 50-50% में तो हमारी शुगर कितनी बढ़ती है या कम होती है। चलिए मैं अपनी लंच जो है अपना शुरू करता हूँ। अभी लंच कंप्लीट हो चुका है, टाइम हो गया है 1:30, ठीक है। मैं आपको मिलूंगा 3:30 को, यानी 3:30 में, यानी 2 घंटे बाद, कि हमारी शुगर क्या रहने वाली है। खाने से पहले जो थी मेरी शुगर
वो थी रेंडम ब्लड शुगर जो थी मेरी 186। अब चेक करेंगे कि 2 घंटे बाद हमारी शुगर क्या रहेगी। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मुझे 2 घंटा हो चुका है, डायबेक्सी आटा प्लस गेहूं का आटा मिक्स करके मैंने 2 रोटी बनाई थी, जो था आटा था दोनों मिला के 60 ग्राम, 30 ग्राम डायबेक्सी आटा और 30 ग्राम गेहूं का आटा, इस तरह से मिक्स करके मैंने रोटी खाई थी और साथ में अचार खाया था। ठीक है, तो मुझे अभी हो गया 2 घंटा। चलिए मैं अपनी शुगर चेक कर लेता हूँ कि 2 घंटे बाद मेरी शुगर क्या आएगी। खाने से पहले जो थी मेरी रेंडम ब्लड शुगर वो थी 186। ठीक है, चलिए अब चेक करेंगे। देखिए ये अभी आप बोलोगे कि आपने डायबिटीज आटे को आपने प्रमोट किया है, तो ये कोई प्रमोशनल नहीं है। मैंने आप लोगों के कहने पे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप डायबिटीज आटे का भी एक बार रिव्यू करिएगा, तो मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, और सेकंड पार्ट इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को ये चीज़ महंगी लग रही थी, कॉस्टली लग रही थी आटा, तो मैंने ये एक वापस एक ऑप्शन रख लिया आपके सामने। लेकिन पहले चेक करेंगे कि रियल में ये काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो ये मैंने मिडिल फिगर से मैंने अपनी शुगर चेक की थी, तो अभी वापस उसी फिगर से मैं चेक करता हूँ अपनी शुगर। ब्लड आ चुका है, ये देख लीजिए, खाने से पहले थी मेरी 186, 162, यानी मेरा 24 पॉइंट डाउन हो गया। मुझे नहीं पता ये कैसा हुआ, क्योंकि मैंने 50% गेहूं का आटा मिलाया था और 50% मैंने डायबिक्सी आटा मिलाया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 24 पॉइंट कैसे कम हुआ। ठीक है, एक बार वापस मैं चेक कर लेता हूँ, शायद इसमें प्रॉब्लम हो, एक बार वापस आपके सामने चेक करूँगा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतना कम कैसे हो सकता है। एक बार वापस मैं चेक कर लेता हूँ आपके सामने, जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ब्लड नहीं आया, मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ। ब्लड आ चुका है, चेक करते हैं, कि मुझे भी डाउट लग रहा है। 157 यानी सही है, 162 यानी हमारा 24 पॉइंट बढ़ गया है। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाइए, लेकिन बॉडी अलग अलग इसको एक्सेप्ट करती है। मेरी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर रही है कि मैं गेहूं का आटा और डायबिक्सी आटा दोनों मिक्स के खाऊंगा तो मेरी शुगर नहीं बढ़ रही है। एक बार आप भी खुद भी ट्राई कर लीजिएगा कि दोनों मिक्स करने के बाद क्या आपकी शुगर कम हो रही है या बढ़ रही है। दोस्तों मैंने कोई शुगर की मेडिसिन नहीं ली है, अभी आपको बोल देता हूँ कि मैं सिर्फ रात को ही मेडिसिन लेता हूँ, मैं दिन में नहीं लेता हूँ। लेकिन फिर भी शुगर मेरी कम हुई है, 24 पॉइंट डाउन हुआ है। तो प्लीज़ एक बार आप भी चेक करिएगा। तो आई होप आपको ये दूसरी वीडियो जो सेकंड पार्ट था वो भी पसंद आया होगा। थैंक यू।